प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लेसन वीडियो को हमेशा आखिर तक देखा करें ताकि बात पूरी समझ में आए। ओके, तो एग्जांपल नंबर 10। पेज नंबर 42। 27.179। क्वेश्चन इज राउंड ऑफ टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। इट मीन्स दैट वी आर टू सॉल्व अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। सो ऑल ऑफ यू सी दिस 9 नंबर। ये जो 9 नंबर है ये 10 के करीब है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि फ्रॉम 1 to 10। तो अब आपने देखना है कि फासला किसके करीब है। 9 यहाँ पे होता है, ठीक है, तो आप 10 के करीब पहुँच गए हैं। तो फिर वो जो 10 है वो एक इसमें ऐड कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी 27.18। वी विल ऐड 1 in 7 एंड वी विल नॉट राइट 9। आपको मैं इस तरह समझाऊं कि आपको पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं। देखें ना, 2.80, इसको हम लिखते हैं 280/100। ये क्या चीज़ है, ये मल्टीपल्स हैं, 10 के मल्टीपल्स हैं। तो आपने देखना है कि 1 से लेकर 10 तक किसके नज़दीक है, ठीक है। आपने इस नंबर को देखना होता है कि ये 1 के करीब है, 10 के करीब है, या दरमियान में है। 23.60, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 5 से कम हो तो आप इस नंबर को बढ़ा दिया करें। यू विल राइट 23.60, यू विल नॉट चेंज एंड रिमूव दिस वन। तो एग्जाम्पल नंबर 12। Now again see this number. This is smaller than 5. This is smaller than 5. So you will write 8.47. You will not change this one. In this question, it says that you write nearest to the whole number. अब ये जो डेसिमल से पहले होते हैं ना, ये वाले नंबर, ये होल नंबर होते हैं। अब हमने देखना है कि 8 लिखें या 8.4 लिखें, या इसमें डेसिमल पॉइंट तो हमने हटा देना है। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, ये स्मॉलर देन 5 है, 5 से कम है, इसलिए हम इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसने कहा था कि ये जो है ना होल नंबर को आपने चेंज करना है। एग्जांपल नंबर 13। क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया करें क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है। कहता है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, वी विल राउंड ऑफ दिस नंबर। सो यू विल सी 2 इज स्मॉलर देन 5। अगर बड़ा होता तो हम इसको 8 लिखते, फिर हम ये वाला आंसर लिखते ऐसे करके, लेकिन बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 5 यू विल नॉट चेंज द 7, यू विल राइट 9.7। दिस इज राउंडेड ऑफ। Now you will feel the difference in example number 14. Example 14 में आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। 9.764 up to 1 decimal point। कहते हैं decimal point के बाद आपने सिर्फ एक नंबर देखना है,
यानी सिर्फ यहाँ तक आपने ना यहाँ तक आंसर निकालना है. यू विल सी दिस सिक्स बिकॉज इट इज सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव देयर फॉर वी विल एड वन इन सेवन सो आंसर विल बी 9.8. अगर आप इस वीडियो में नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें. खुदा हाफिज़.